नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से परसेंटेज के धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसा क्वेश्चन कवर किया जा रहा है ना कि ये क्वेश्चन आपके लाइफ में कभी ना कभी आया होगा या आपकी किताबों में इस तरह का क्वेश्चन दिया रहता है, या अगर आप किसी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं जैसे रेलवे, SSC, GD या NTPC या ग्रुप डी, यानी किसी भी फील्ड में आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो इस तरह के परसेंटेज के क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी काफ़ी आसान होता है, बस थोड़ा सा माइंड का यूज करना होता है और काफ़ी आसानी से इस तरह के प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा। अगर क्वेश्चन को हम समझ लेंगे ना तो उसको काफ़ी आसानी से और बिल्कुल ही सही उत्तर देंगे, यानी सही सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है देखिए, ए का 12.1%, यानी 1/2 का मतलब होता है आधा, एक का आधा, यानी 12.5% 1200 है। क्या कह रहा है कि ए का 12.5% 1200 है। तो उस संख्या का 33.1%, यानी 33.1% कितना होगा। बिल्कुल ही इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे, डरना नहीं है, काफ़ी आसानी से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए जो भी क्वेश्चन में सबसे पहले दिया रहता है ना उसी को सबसे पहले लिखते हैं और वही सबसे पहले प्रोसेस में लाते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए क्या दिया है ए का, तो सबसे पहले ए दिया है तो हम लिखेंगे ए। अब देखिए का, जहाँ भी मैथ में का रहता है ना तो का मतलब होता है गुना, यानी का जगह पर हम गुना का यूज करते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है 12.1%, यानी 12.1%। तो जब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे ना, देखिए पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, नीचे वाला साइड वाला गुना करते हैं, यानी 2 का गुना करेंगे 12 में तो 12 दोनों की 24 हो जाएगा, और 24 में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको जोड़ते हैं, तो 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 और 12 में क्या है 2, यानी यहाँ पर हमारा 25/2 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या लगा है, परसेंटेज का चिन्ह लगा है। तो सबसे पहले परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में आपको समझाएंगे। अब देखिए बोल रहा है कि ए का इतना परसेंट जो है 1200 है, यानी इतना परसेंट क्या है 1200, यानी इसके बराबर में हमको 1200 लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए परसेंटेज को समझिए, सबसे पहले ए है तो लिखेंगे गुना है तो गुना, 25/2 है तो 25/2 लिखेंगे। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है ना, जिस भी संख्या के साथ परसेंटेज का चिन्ह लगा होता है उस संख्या के बटा में हमको 100 लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 25/2%, तो देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी यहाँ पर हमको बटा में 100 लिखना है। तो पहले से क्या है 2 है, यानी इसमें हम गुना कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर हमारा 200 हो जाएगा ना। अब देखिए बराबर है तो बराबर, यहाँ पर क्या है 1200 है तो 1200 लिखेंगे। तो अब देखिए करना क्या है, इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व करना है। देखिए 25 ऊपर है नीचे क्या है 200 है, तो देखिए 25 के पहाड़े में 25 है एक बार में और 25 के पहाड़े में 2 है, 25 8 के 200 होता है, यानी 8 बार में कट गया। अब देखिए अब ए यहाँ पर है और बराबर के राइट में क्या है, यहाँ पर पहले से 1200 है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर बाटा में यानी भाग में 1 के बाटा में है 8, अगर इसको बराबर के राइट में भेजेंगे तो इसके गुना में लग जाएगा ना, यानी यहाँ पर 1200 के गुना में ये वाला 8 आकर लग जाएगा। अब देखिए सिंपल से हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 12/1 होता है 96, यानी 96 हो जाएगा, ये 00 आपको यहाँ पर उतार देना है, यानी ए जो है ना ये हमारा 9600 यहाँ पर आ गया है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का इतना परसेंट 1200 है, तो ये तो प्रोसेस हमने कर लिया है। अब कह रहा है तो उस संख्या का 33.1% कितना होगा, यानी जो हमने आंसर लाया, यानी इस संख्या का 33.1% कितना होगा। तो देखिए हमने कितना लाया है, तो हमने यहाँ पर 9600 लाया है। अब इसका यानी ए का ही हमको क्या निकालना है, यहाँ पर 33.1% कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले ए का मान हमने निकाला है कितना, 9600 आया है ना। अब देखिए यहाँ पर का है तो का मतलब होता है गुना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 33.1/3, तो जब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे ना तो 33 यहाँ होता है 99 और 99 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 100 और बटा में क्या है 3, तो बटा में 3 लिखेंगे। लेकिन देखिए इसके साथ क्या है, प्रतिशत का चिन्ह लगा है, तो प्रतिशत का चिन्ह का मतलब क्या होता है कि इसके बटा में 100, तो मान लीजिए इसके बटा में हम 100 लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा,
यहाँ पर ऊपर में कुछ भी नहीं तो 1 बच जाएगा, बटा में यहाँ पर सिर्फ 3 बच गया, 3 बच गया ना, और गुना में यहाँ पर आपका 9600 ऑलरेडी है। अब देखिए सिंपल सा करना क्या है, इस 9600 को 3 से काटेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर कैसे काटेगा, तीन तरीका होता है, 9 3 2 6 6 00 उतर जाएगा, यानी जो आपका फाइनल आंसर होगा ना यहाँ पर 3200 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में डरेंगे नहीं, काफ़ी आसानी से परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व होता है, बस थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, और इस तरह के प्रत्येक क्वेश्चन आप बिल्कुल ही आसानी से बिल्कुल ही इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं।